हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी देखते हैं क्या सेंटीमेंट बना है, कैसे इसमें आज की ट्रेडिंग रही है। मॉर्निंग में हमने कुछ देखा था कि मार्केट एक रेंज बाउंड में रह सकता है, तो मार्केट ने लगभग सिमिलर तरीके से परफॉर्म किया है। अब हमें उसके बेस पे कितना रिजल्ट मिला है, क्या हमें फर्दर करना है, उसको सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। कुछ लर्निंग कंटेंट आपके लिए प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें ट्रेडिंग करते हैं, क्या इसमें बेसिक रहता है। सिल्वर में जनरली हम सिल्वर में ही है, माइक्रो या फिर मेगा है, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से परफॉर्म करता है, प्राइस का थोड़ा डिफरेंस रहता है। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अब टाइम टाइम से आपके लिए अपडेट देता रहता हूँ। अब फ्रेंड्स, हम चार्ट पे आ गए हैं। अगर चार्ट की बात करते हैं तो मॉर्निंग में हमने देखा था कि मार्केट के लिए जो रेंज बनने वाली है यही सिंपल रेंज रहने वाली है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर जिन्होंने यहाँ पे ऊपर की तरफ कहीं बाइंग कर रखा है उनके लिए थोड़ा सा भी मार्केट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। अभी यहाँ पे बेस क्रिएट हुआ है, आज थर्ड डे है, तीसरे दिन भी मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। अगर थोड़ा और टाइम भी जाता तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा परफॉर्म करे, लेकिन अभी यहाँ पॉजिटिव वे अभी फिलहाल के लिए मार्केट बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ प्राइस पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जहाँ ओपनिंग हुई है उसे कंटिन्यू नीचे की तरफ ही पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है, लेकिन जो इसकी कल की क्लोजिंग अगर वहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट के लिए एक रेंज बनी हुई है और उस रेंज के आसपास मार्केट आता है, फिर वहीं से ऊपर जाने की कोशिश करेगा जैसा इसने कल किया था। तो हमारे लिए अभी मार्केट में फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग पॉइंट अभी अब फिर लॉन्ग टर्म के ट्रेडिंग के लिए कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा टेक केयर करना होगा। नई पोजीशन नहीं बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नई पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ी सी आपको बहुत ही केयरफुल रिस्क रिवार्ड के बेस पर ही चलना होगा। सेंटिमेंट्स अभी मार्केट के लिए पॉजिटिव बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, अभी भी निगेटिव बना हुआ है। 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स आप देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट के लिए 66 से लेकर 67-68 के बीच में ही क्लोजिंग करना चाहिए, जैसा कि ये ऑलरेडी इसी रेंज में घूम रहा है। अब नेक्स्ट मूव के लिए आपको थोड़ा सा भी वेट करना होगा, क्योंकि मार्केट में अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट फिलहाल के लिए नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो लेवल बना हुआ है ये लगभग मार्च का मंथ था, मार्च के आसपास ही अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ बेस इसके लिए नीचे जो बना है 66,245 या फिर 66,000, ये मार्केट के लिए थोड़ा सा अभी इम्पॉर्टेंट है। इसी बीच में मार्केट घूमने वाला है, जब तक मार्केट इस रेंज में है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 66 को ब्रेक करता है तो इमीडिएट आपको एक बड़ा मूव डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है, तो ये सारी चीज़ें कंडीशन बेस्ड है। मार्केट को फिलहाल के लिए इसको ब्रेक ना करे तो ज़्यादा बेटर है, अगर ब्रेक करता है तो फिर वीकनेस ज़्यादा रहेगी। ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी निगेटिव ही बने हुए हैं, तो इसमें आप प्लस साइड की अपॉर्चुनिटी जिन्होंने बना रखी है वो अपना रिस्क रिवार्ड के बेस में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 70,000 71,000 के नीचे इतना देख लिए हैं कि मार्केट ऑलरेडी आ चुका है 4,000 पॉइंट नीचे, 3,000 पॉइंट नीचे, तो आपका अगर रिस्क रिवार्ड उतना बनता है तो आप पोजिशन होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर क्या होगा डिसाइड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ बाइंग के लिए फिलहाल के लिए, मार्केट अगर ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा तो लगातार इसको रोकने के लिए बैठे हुए हैं। 67,000 निकालेगा, उसके बाद 68,000 है, 69,000 है, सारे राउंड फिगर भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो मार्केट ही बेस बना रहा है। बेस जितना ज़बरदस्त बनेगा उतना ही मूव हमें अच्छा मिलने की कोशिश रहेगी। अगर मार्केट नीचे क्लोज कर देता है तो वीकनेस ज़्यादा रहेगी, एज इट इज़ यहाँ भी सिमिलर तरीके से पैटर्न दिख रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट्स फ्रेंड्स आया कि मार्केट अभी जो कल का इसने लो बनाया था इसको ब्रेक ना करे तो ज़्यादा बेटर है, अगर ब्रेक कर भी देता है तो आपको 66,000 यहाँ रोकने के लिए बैठा हुआ है। तो देखते हैं, मार्केट एक रेंज में बना हुआ है, रेंज में क्लोजिंग करता है तो 2 दिन हो गए, थर्ड दिन ले देते हैं क्योंकि ओपनिंग हुई थी तभी से वो नीचे बना हुआ है। अब फर्दर इसमें 1 दिन की ट्रेडिंग बची हुई है, उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहेगा आपको मॉर्निंग में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ कोई क्लियर कट पैटर्न अभी बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।